हिमाचल में वन माफिया लगातार अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। अवैध कटान की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही और एक ताजा घटना पांवटा साहिब से भी सामने आई है। पुलिस को कई बार पेड़ काटने की सूचना मिल रही थी और पांवटा के वन मंडल के हाथ एक बड़ी कामयाबी लग गई। जब रात को गश्त की जा रही थी तो जंगल में कुछ आवाजें सुनाई दी। इन आवाजों के जरिए विभाग कर्मियों ने पता लगा लिया कि जंगल में अवश्य कोई है और जब देखा तो दो लोग पेड़ काट रहे थे। इन लोगों ने 6 पेड़ों को काट डाला था। पेड़ों की लकड़ी को जीप में लाद दिया गया था। वन विभाग के कर्मियों को मौके पर पहुंचते देख इन लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन विभाग कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए दो लोगों को पकड़ लिया। ये पहला मौका है जब विभाग के कर्मियों ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस द्वारा इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि जंगल में काटी जा रही लकड़ी की कीमत लगभग 1.25 लाख थी। 1:18 की सुबह को रात्रि वन विभाग की टीम तथा वन रक्षक कमलेंद्र ने एक गाड़ी पिकअप जिसका नंबर जो है ना HP 18-8239 है, जिसमें कि 17 लोग साल के लोड थे, जिसकी कीमत 34,667 रुपये आंकी गई है, तथा उसके साथ ही एक ब्लेरो गाड़ी भी सीज की गई है जिसका नंबर HP 17-B 4800 है। जो गाड़ी लेबर को ढोने के लिए इस्तेमाल की गई थी उसको भी सीज कर लिया गया है और उन्हें सीज करके मनतारू वाला डिपो लाया गया है और इसकी तफ्तीश जो है पुलिस चौकी इंचार्ज राजवन कर रही है।